इसको क्या बोलते हैं, इसको ढोलपुरी फर्सी बोलते हैं इसको। अभी इसको लगाएंगे, इसका जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हम आपको दिखाएंगे। सब कर दिया है, अभी इधर से भी यहाँ तक हो गया है। इसको लगाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत जल्दी नहीं होता। हमारे बड़े मिस्त्री, बहुत ही होनहार कलाकार और हुनर, और ये छोटा वाला बंदा और ये लगा के उन्होंने सब कर दिया है अभी इधर से। तो आप वीडियो हमारा पूरा देखिए। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चौहान फर्नीचर में। तो मित्रों, अभी हम जो ये पार्टीशन फर्नीचर का जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे फर्सी वाले भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ये फर्सी वाले पानी मार रहे हैं। ये जो किचन का पूरा काम इन्होंने, आप देखो कैसा किया है। ये फर्सी, ये किचन है, ये बाकी का ये फर्सी वगैरह सब इन्होंने बिठाया है। और इनका एक फर्सी आया है डिजाइन वाला, मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि ये किचन के मेन डोर पे है, यहाँ पे एंट्री पे लगेगा। और वो फर्सी जो है वो यहाँ पे भिगो रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको ढोलपुरी फर्सी बोलते हैं इसको। अभी इसको लगाएंगे, इसका जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो हम आपको दिखाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, यहाँ पे लगने वाला है वो पूरा यहाँ पे। इन्होंने यहाँ से लगाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे कॉर्नर पे कातरा मार रहे हैं। कातरा कैसा बैठेगा इसका, एक दूसरा वाला कातरा दे दो ना जरा हमको। ये थोड़ा सा उन्होंने बनाया है ऐसे, इसका कातरा जो है ऐसे फिटिंग होगा। तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सपोर्ट के लिए दिया है, ये बाद में निकाल देंगे इसको। और ये हमारे बड़े मिस्त्री, बहुत ही होनहार कलाकार और हुनर, और ये छोटा वाला बंदा, और ये सबसे बड़े वाले इनके। आपका जो है वो आने फिगर में आएगा, ये मतलब इसका फिगर ऐसा है, आपको दिख रहा है ना, उसका फिगर ऐसा आएगा। तो अभी उसका ऊपर का उन्होंने छोड़ दिया है, अभी यहाँ तक तो उनका फाइनल हो गया है नीचे का। और यहाँ से ये देखिए कातरा मारना शुरू करे, इसमें बहुत टाइम जाता है, ये हाथ से फिटिंग करते हैं। ये तो तैयार आता है, इसका ईट जो है वो तैयार ही आता है। इसका साइज वगैरह लगभग ये 6 इंच बाई 3 इंच का है। तो अभी इतना ऊपर का बचा है इतना, और यहाँ तक ये बचा है, लग नहीं हो गया है। ये बीच में जो है वो सपोर्ट के लिए, मतलब गुरु के लिए, ये जो गुरु दिखता है ना, इसके लिए। बाकी का ये जो है इसको भी पॉलिश करेंगे, साफ़ सफाई करके उसको धुलाई करके उसका पॉलिश करेंगे। तो इसका मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, इसको सबसे पहले भिगो के रखना पड़ता है। इसका आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ, अंदर से ऐसा दिखता है, नहीं दिख रहा अच्छे से, ये देखिए ऐसा है। और इसका थिकनेस जो है वो लगभग 15-16 इंच का है, ये ऐसा है। मित्रों, अभी यहाँ पे ये साइड से पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी इसका सिर्फ फिनिशिंग करना बाकी है। यहाँ से कातरा वगैरह सब लगा के उन्होंने सब कर दिया है, अभी इधर से भी यहाँ तक हो गया है, सिर्फ इतना ही रह गया है बाकी। वहाँ से ऐसा कातरा बन के आएगा ऐसा, तो इसीलिए वो पैटर्न जो है वो चेंज किया उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे कातरा ऐसा नहीं बैठता था, इसके लिए वहाँ पर वो पैटर्न उतना चेंज करना पड़ा। बाकी का कंप्लीट हो गया है, सिर्फ इसका थोड़ा फिनिशिंग वगैरह करना बाकी है, साफ़ सफाई करना बाकी है। तो आप वीडियो हमारा पूरा देखिए, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद पूरा अच्छा सा मैं वीडियो निकाल के फिर आपको भेज, ये वीडियो आपके पास आ जाएगा। तो मित्रों, अभी इनका जो है फर्सी लगा के पूरा फाइनल हो गया है, आप देख सकते हैं ये पूरा कम्प्लीट हो गया है। अभी यहाँ पर देखिए,
वीडियो में सबसे पहले आपने देखा होगा, ये वही दीवार था जहाँ पे अभी कुछ नहीं था, डायरेक्ट गिलावा था। उसके ऊपर देखिए फरसे लगा के फाइनल हो गया है। अभी इसका पॉलिश वगैरह बाकी है, जो पॉलिश का काम है वो तो अभी बाद में होगा, उसके पहले इसका मैं वीडियो डालता हूँ। अगर पॉलिश हुआ तो उसके बाद में मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के एक डाल दूँगा। बाकी का अभी यहाँ तक कम्प्लीट हो गया है। यहाँ से देखिए इसको लगाने में बहुत ही समय लगता है, बहुत जल्दी नहीं होता है ये, इसका पूरा लेवल लाइन सब निकालना पड़ता है। तो ये दिखा आपको बता रहा था मैं कि ये जो इसका फिगर है ना वो ऐसा आने वाला है। तो इसके लिए तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।